नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 856 में है, नतीजे आने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है, तो इसी के बारे में बात करते हैं और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे और आईसीआईसीआई बैंक का किस तरह का ट्रेंड रहा है चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आया है फाइनेंशियल नतीजों के बारे में उसकी बात करते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। बैंक ने जो अपडेट दिया है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने जो अपडेट दिया है, फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड 22 अप्रैल 2023, तो बोर्ड मीटिंग होगी 22 अप्रैल 2023 को, उस दिन कंसीडर किया जाएगा बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है तो आगे आने वाले समय में अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड मिल सकता है। अब देखिए डिविडेंड कितना रह सकता है, तो पिछली बार अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक था तो 5 रुपये का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, 25/4/2022 को अनाउंसमेंट डेट थी और 250% का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था 5 रुपये का, तो इसी के आसपास रह सकता है। मान के चलिए कि 2 से 5 रुपया प्लस भी रह सकता है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा 22 अप्रैल 2023 को कितने रुपए का डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है, डिक्लेयर होता है। तो ये रिकॉर्ड के अनुसार है, 5 रुपये के आसपास होना चाहिए, प्लस भी हो सकता है। तो ये अपडेट है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का और 22 अप्रैल 2023 इम्पोर्टेंट डे रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी, शेयर होल्डर्स के लिए भी। आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैप है 5,96,828 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 229 का और डिविडेंड यील्ड है 0.59 का और अर्निंग पर शेयर है 46 का। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल का रिटर्न 151% का है और 1 साल का रिटर्न 20% का है और पिछले 3 महीने के अनुसार बात करते हैं तो इसी के आसपास ये कारोबार कर रहा है। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो 2022 में 95,406 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रॉफिट था 25,784 करोड़ का था, तो प्रॉफिट बड़ा था और रेवेन्यू भी बड़ा था। तो आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले कुछ समय से, पिछले 1 साल से 2 साल से, और स्टॉक प्राइस में भी एक तरह से तेज़ी देखने को मिली है। जबकि देखिए मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट दबाव देखने को मिल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक ऊपरी लेवल से लगभग 100 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है 855 में। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे। अब देखिए इसमें करना क्या चाहिए, जैसे कि नतीजे आने वाले हैं तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, थोड़ा बहुत हलचल बढ़ सकती है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक भी 900 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड लेना चाहिए, स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।